नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल रेल नॉलेज पे। दोस्तों आज की जो हमारी ट्रेन की जानकारी है वो है जोधपुर जंक्शन से मुंबई बांद्रा टर्मिनस के बीच चलने वाली 02479 सूर्यनगरी COVID-19 स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन की। दोस्तों इस ट्रेन का संचालन उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन करता है और यह रोजाना चलने वाली COVID-19 स्पेशल ट्रेन है जो रोजाना शाम में जोधपुर जंक्शन से चलकर मारवाड़ जंक्शन, आबू रोड, अहमदाबाद, वडोदरा के रास्ते अगले दिन सुबह में मुंबई बांद्रा टर्मिनस पहुंचती है। दोस्तों अगर बात करें इस ट्रेन के ट्रेवल टाइम की तो यह ट्रेन जोधपुर जंक्शन से मुंबई बांद्रा टर्मिनस की टोटल डिस्टेंस 937 किलोमीटर को करीबन 56 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 16 घंटे और 35 मिनट में तय करती है। और दोस्तों इस ट्रेन का जोधपुर से बांद्रा टर्मिनस के बीच 16 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। तो वही इस ट्रेन की अधिकतम परमिसेबल स्पीड रहती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों इस ट्रेन को जोधपुर से अहमदाबाद तक भगत की कोठी लोको शेड का WDP-4D डीजल लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो वही अहमदाबाद से बांद्रा टर्मिनस तक वडोदरा लोको शेड का WAVE-4E या WAVE-5 या WAVE-7 इनमें से कोई एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। दोस्तों अगर बात करें इस ट्रेन में कोचेज की तो इस ट्रेन में ICF रेक श्रेणी के कोच रहते हैं जिनमें फर्स्ट AC कम सेकेंड AC का एक कोच रहता है, फर्स्ट AC का भी एक कोच, सेकेंड AC का भी एक कोच, थर्ड AC के 4 कोच, स्लीपर क्लास के 11 कोच, तो वहीं सेकेंड सीटिंग के 6 कोच को मिलाकर कुल 24 कोच रहते हैं। और दोस्तों इस ट्रेन का जोधपुर जंक्शन से बांद्रा टर्मिनस तक का किराया फर्स्ट AC का किराया 3,095 रुपए रहता है, तो वही सेकेंड AC का किराया 1,835 रुपए है, थर्ड AC का किराया 1,295 रुपए, स्लीपर क्लास का किराया 490 रुपए, तो वही सेकेंड सीटिंग का किराया 295 रुपए रहता है। दोस्तों यह किराया जोधपुर से बांद्रा टर्मिनस तक का है लेकिन यह अपडेटेड किराया नहीं है क्योंकि रेलवे इस किराए में समय समय पर बदलाव करता रहता है, इसलिए अपडेटेड किराए की ज्यादा जानकारी या किराए की ज्यादा जानकारी के लिए रेलवे टिकट काउंटर या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहता है और उन स्टेशनों पर इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहता है। दोस्तों ट्रेन नंबर 02479 सूर्यनगरी COVID-19 स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन रोजाना जोधपुर जंक्शन से शाम में 7 बजे रवाना होती है और दोस्तों यहां से रवाना होकर यह ट्रेन पहुंचती है लूणी जंक्शन शाम में 7:32 पे और करीबन 3 मिनट ठहरने के बाद 7:35 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टेशन रहता है पाली मारवाड़, रात में 8:05 पे यहां पहुंचती है और 5 मिनट ठहराव के बाद 8:10 पे यहां से रवाना हो जाती है। दोस्तों मारवाड़ जंक्शन यह ट्रेन पहुंचती है रात में 8:53 पे और करीबन 5 मिनट ठहराव के बाद 8:58 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉप रहता है रानीर, रात में 9:30 पे यहां पहुंचती है और 2 मिनट ठहराव के बाद 9:32 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है अपने अगले स्टॉपेज फालना 9:48 पे और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद 9:50 पे यहां से रवाना हो जाती है। दोस्तों जवाई बांध यह ट्रेन पहुंचती है रात में 10:03 पे और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद 10:05 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है पिंडवाड़ा रात में 10:34 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 10:36 पे यहां से रवाना हो जाती है। दोस्तों आबू रोड यह ट्रेन पहुंचती है रात में 11:30 पे और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद 11:40 पे यहां से रवाना हो जाती है। और दोस्तों आबू रोड तक यह ट्रेन 270 किलोमीटर की यात्रा तय कर देती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है अपने अगले स्टॉपेज पालनपुर जंक्शन रात में 12:55 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 12:57 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है मेहसाणा जंक्शन, रात में 1:47 पे यहाँ पहुंचती है और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद 1:49 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों अहमदाबाद जंक्शन यह ट्रेन पहुंचती है रात में 3:30 पे और करीबन 25 मिनट ठहरने के बाद 3:55 पे यहां से रवाना हो जाती है। और दोस्तों अहमदाबाद जंक्शन तक यह ट्रेन
455 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है और अहमदाबाद जंक्शन पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होता है डीजल से इलेक्ट्रिक। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है अपने अगले स्टॉपेज आणंद जंक्शन 4:57 और 2 मिनट ठहरने के बाद 4:59 पे यहां से रवाना हो जाती है। दोस्तों सुबह में 5:40 पे यह ट्रेन पहुंचती है वडोदरा जंक्शन और 5 मिनट ठहराव के बाद 5:45 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है अंकलेश्वर जंक्शन, सुबह में 6:40 पे यहाँ पहुंचती है और 1 मिनट ठहराव के बाद 6:41 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है अपने अगले स्टॉपेज सूरत, सुबह में 7:38 पे और करीबन 5 मिनट ठहराव के बाद 7:43 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है अपने सेकेंड लास्ट स्टॉपेज बोरीवली, सुबह में 10:45 पे और करीबन 4 मिनट ठहरने के बाद 10:49 पे बोरीवली से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है अपने लास्ट स्टॉपेज मुंबई बांद्रा टर्मिनस, सुबह में 11:35 पे और यहां तक 937 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। तो दोस्तों यह थी 02479 जोधपुर से बांद्रा टर्मिनस के बीच चलने वाली सूर्य नगरी COVID-19 स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लें ताकि चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।